बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो आज है हमारे वेकेशन का डे 4 और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। मैं बस जल्दी से रेडी हो चुकी हूँ, रास्ते में ही हम डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो एंड चलिए चलते हैं। जी तो रास्ते में आते ही हमारा प्लान बन गया था कि हम आज सिर्फ शॉपिंग करेंगे और कैलगरी घूमेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या क्या करने को हो। वैसे तो हम घूमने की यहाँ पे बहुत सारी जगह है, लेकिन मॉल में या स्टोर्स में यहाँ के हम नहीं गए हैं। और ये जो है कैलगरी का डाउनटाउन का एरिया है, माशाल्लाह आप देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये। आपने मेरे व्लॉग्स में वैंकूवर का भी देखा होगा, तो आप कंपेयर करके बताइए कि कौन सी जगह अच्छी है, वैंकूवर का अच्छा है या कैलगरी का अच्छा है। सामने गाड़ी पार्क कर ली है, अभी हम मॉल के अंदर जाएंगे। वी माइट डू सम शॉपिंग। और वो पीछे आप देख सकते हैं मेरे कैलगरी टावर है। दिस डाउनटाउन इज ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है। अभी हम जाएंगे मॉल के अंदर, वहाँ से देखते हैं हम क्या ले सकते हैं एंड फ्रॉम लेटर उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ का व्यू, ये डाउनटाउन इज ब्यूटीफुल। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वैंकूवर का डाउनटाउन जो मेरी व्लॉग्स में आपको मिल जाएगा वो पसंद है या ये वाला, मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी हम अंदर चलते हैं। तो गाड़ी पार्क करने के बाद अभी हम जाएंगे मॉल के अंदर। यहाँ पे ऑफ कोर्स इस डोर से हम जा रहे हैं क्योंकि मेन वाली जगह पे काफ़ी वॉक थी, तो हम ये वाले दरवाजे से आ गए। यहाँ पे काफ़ी एंट्रेंस है, तो हमने वो वाली ये वाली यूज़ कर ली है, जो फ्रंट में होती है वो नहीं यूज़ की। तो ये मॉल काफ़ी बड़ा है और आप देख सकते हैं इसमें बाकी भी छोटे छोटे स्टोर्स हैं, आपको मिल जाएंगे। जिस तरह मैं वैंकूवर में मेट्रो टाउन का था मेट्रोपोलिस, ये वैसा ही कैलगरी का है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा कि हम औरतों का एक ही काम होता है मेकअप का सामान, सभी को आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे आ गई थी सिफोरा, मुझे कोई जो भी मेकअप की जगह हो, सिफोरा हो, शॉपर्स हो, अल्ट्रा हो, जो भी हो मेकअप का सामान होगा तो मैं फॉर श्योर जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पास कंसीलर ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कंसीलर और एक अच्छा सा फाउंडेशन ले लूँगी। और ज़्यादा देर अगर मैं यहाँ पे रही तो मैं ऑफकोर्स ज़्यादा चीज़ें और ले लूँगी। एनीवे मैंने अपना फाउंडेशन और कंसीलर ले लिया है। अभी जाएंगे मेरे हस्बैंड और मेरे भाई को वॉचेस देखनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोलेक्स और बाकी जगह है, लेकिन वहाँ पे आई थिंक मुझे अलाउ नहीं है कि मैं फिल्म रिकॉर्ड या वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, तो मैंने कैमरा यूज़ नहीं किया। तो वहाँ वॉचेस वगैरह देखने के बाद यहाँ पर अभी हम आ गए हैं कपड़े देखने। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी फंक्शन वगैरह जो भी हुआ तो मैं हमेशा कपड़े अपने लिए पहले से ही चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी कपड़ों की। अभी आप ये रेड ड्रेस देख लें कितना खूबसूरत है, अगर कोई फंक्शन होता है तो आप ये पहनेंगे तो आई एम श्योर सब दंग रह जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को मसीह को ये बहुत अच्छा लग गया था। और जो सामने ये जो ड्रेस है जिसमें काफ़ी सारे स्पार्कल्स हैं, तो इस तरह का ड्रेस ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं लूँगी नहीं, और ऑल्सो मेरे पास सामान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं कुछ भी लूँगी यहाँ से। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद मैं अपने लिए आइस कैप ले लूँगी टिम होटल्स से। आई सॉ वन अप स्टेयर्स, मेरे हस्बैंड और भाई जो है दोनों नीचे परफ्यूम देखने गए हैं, तो ऊपर चले जाते हैं एंड टिम होटल्स से आइस कैप ले लेते हैं। आइस कैप तो सभी को अच्छा लगता है, मसी को भी चाहिए था, मेरे भाई को भी चाहिए था, मैंने अपने लिए भी लेना है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है उस सुबह के, हम लाइक अर्ली हम उठे हैं तो नींद भी आ रही थी। तो आइस कैप इज़ समथिंग कि वो आपको एकदम जगा देगा, कि एनर्जी दे देगा, क्योंकि कॉफ़ी है तो ऑफकोर्स कॉफ़ी आपको एनर्जी देती है। तो मैं यहाँ पर नीचे आ गई थी, मेरे भाई और मसी जो है वो नीचे आ गए थे परफ्यूम्स देखने, उनको एक अजीब सा शौक चढ़ा हुआ है। मैं मसी का परफ्यूम का कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी, उसके पास काफ़ी सारे क्लोन पड़े हुए हैं, उसने मेरे लिए भी पूरे जहान के जो है परफ्यूम्स इकट्ठे करके रखे हैं। तो या वो लोग परफ्यूम्स देख रहे थे तो मैं यहाँ पे आ गई थी जूतों के पास, मुझे जूते वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे लेडीज़ भी थी, लेडीज़ के भी थे, मेंस के भी थे, फीमेल, यहाँ पे स्टाफ काफ़ी अच्छा था फीमेल, वो हेल्प कर रहा था सभी का के अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, एडवाइस चाहिए होती है तो ऑफकोर्स वो आपको हेल्प कर देंगे। शादी के लिए ये जूते बहुत खूबसूरत है, स्पेशली ये जिमे चुके जिस तरह आपको सामने पड़े रहे ब्लैक एंड पिंक, मुझे ये वाले बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पे अभी हम आ गए एक मतलब फिर से परफ्यूम वाली जगह पे, मेरे हस्बैंड को कोई परफ्यूम लेना था। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी परफ्यूम अच्छी लगती है, या अगर आपको माइंड में कोई स्पेसिफिक परफ्यूम है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। बस शॉपिंग करने के बाद अभी हम बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कैलगरी इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जगह हैं,
यहाँ पे आप आएंगे ना तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। बहुत खूबसूरत जगह है। तो अभी हम जाएंगे रेस्टोरेंट और खाना खाएंगे। ये फैसल रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ऑफ़ कोर्स हलाल है। इनका खाना सरप्राइजिंगली सस्ता भी है और बहुत अच्छा है। मैं सस्ता इस वजह से कहूँगी क्योंकि कंपेयर टू बीसी के जो प्राइसेस है ये वाकई में बहुत सस्ता है। एंड आई एम सरप्राइज, यहाँ का खाना जितना अच्छा है इसकी प्राइस काफ़ी महंगी होनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक कैलगरी में जो है खाना जो है सस्ता मिलता है, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। जो भी कैलगरी में रहता है वो काफ़ी खुश नसीब होता है। और आप खाना देखिए, हमने अलग अलग सबके लिए डिशेस ऑर्डर कर ली थी एंड सभी चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थी, महंगा नहीं था। तो जब भी हम यहाँ पे, जब से यहाँ पे और हमने ये रेस्टोरेंट फाइंड किया है, यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है डिशेस हम ट्राई करते हैं। बट सो फार मेरी फेवरेट जो है चिकन टिक्का और बिरयानी इज़ माय फेवरेट। और चिकन टिक्का की ये लोग कढ़ाई भी बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े की होती है। तो मैं हमेशा अपने लिए वही ऑर्डर करती हूँ। आज मेन्यू मसी ने डिसाइड की थी, तो जो जो चीज़ें उसको अच्छी लग रही थी उसने वही ऑर्डर कर लिया। एंड ऑनेस्टली एवरीथिंग इज़ सो गुड। एंड एज ऑलवेज मैंने अपने लिए चिकन टिक्का कढ़ाई ऑर्डर की है, बहुत मज़े की है। ज़रूर जब भी आप कैलगरी जाए तो ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। ये जगह जो है बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह। तो मेरी दुआ है अल्लाह इस रेस्टोरेंट को और कामयाबी और तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो खाना हमने खा लिया है एंड लुक एट द वेदर माशाल्लाह, एंड आई हैड द बेस्ट फूड ऑनेस्टली। कढ़ाई बॉयज से दिस फूड वॉज 1000 times बेटर। आई डोंट नो व्हाई, वो काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप था। बट एनीवे I'm not saying वो अच्छा नहीं था, वो भी अच्छा था, लेकिन दिस वॉज द बेस्ट। अभी I'll see if I can do a little shopping around here, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी दो तीन पाकिस्तानी शॉप्स देख ली थी। we'll see उनके पास क्या है। If I like something I'll buy it, but अगर कुछ पसंद नहीं आया तो मैं walk कर लूँगी, because this weather is everything, especially Calgary का मौसम, I love it। मुझे Calgary in general बहुत पसंद है, लेकिन अगर मौसम इस तरह का हो तो फिर सुन में सुहाग हो जाता है। So yeah, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। इफ़ आई फाइंड समथिंग आई शो इट यू गाइस, इफ आई डोंट आई जस्ट कंटिन्यू वॉकिंग। सो चलिए चलते हैं। तो वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो आपको खुदा भी मिल जाता है, और आप देखिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल सोना मिल गया है। यहाँ पे कैनेडा में आए तकरीबन हमें 6 साल हो चुके हैं, और मेरी आंखें तरस गई थी कि कोई भी जो पाकिस्तानी स्नैक्स थे, जो हमारा बचपन जिन चीज़ों में गुजरा है, वो मैं ढूंढ सकूं। और यहाँ कैलगरी आके मुझे मिल चुके हैं वो सारी चीज़ें। आपने देखा होगा कोकोमो चिली मिली, अब ये देखिए टैंग। वेल टैंग तो यहाँ पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है, लेकिन ये जौहर जोशांदा, आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं जोशांदा के लिए खुश हो रही हूँ, लेकिन वाकई में मेरी आंखें सच्ची में तरस गई थी सारी चीज़ें देखने को। फ्रेश अप, जब हम स्कूल जाते थे तो ये सारी चीज़ें अम्मी हमें जब भी लंच के लिए पैसे देती थी, तो यूजुअली अम्मी हमें पैसे नहीं देती थी, लंच बॉक्स ही बना के देती थी, लेकिन जब भी पैसे देती थी तो हम यही स्नैक लेते थे। और बस मुझे अपना बचपन याद आ गया है। यहाँ पे हर तरह के जामिश्री आप देख सकते हैं मिल रहे हैं, और ये देखिए वो शीज़ान का, आई एम श्योर पाकिस्तान में मिलता होगा मैंगो जूस, ये मेरा आज भी फेवरेट है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल फॉर श्योर है कि मैं ये पूरा स्टोर अगर हो सके तो अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आते ही हर चीज़ को देखते ही मुझे रोना सा आ रहा है। ये सारी चीज़ें छोड़ कर ही हम यहाँ पे आए थे, और अभी ये सारी चीज़ें देख के मुझे मेरी आंखें अब दीदा हो रही है। मेरा भाई भी बहुत खुश हो रहा था, और मसी को अजीब लग रहा है कि हम इतनी एक्साइटमेंट क्यों शो कर रहे हैं, बट अगर वो हमारी जगह पर होता तो ऑफकोर्स उसको भी ऐसा सेम ही फील होता। ये आप देखिए, ये साबुन, डिटोल, लाइफ बॉय, डव इट्स नॉर्मल यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन लाइफ बॉय आप देख सकते हैं, ये आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलता है, कनाडा में ये नहीं मिलता। आई एम नॉट श्योर बाकी जगहों में मिलता होगा, लेकिन कनाडा में नहीं मिलता। तो कैलगरी में मुझे मिल गया था लक्स, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड इन कनाडा। और ये साबुन भी बहुत अच्छा है लक्स, आप सबको पता होगा। हाजमोला मेरे भाई का फेवरेट है। सारी चीज़ें यहाँ पे, जो जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान के किसी शॉप पे गई हूँ ग्रोसरी के, और वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिली। डालडा कॉप देख लीजिए, आपको बहुत रेयरली आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन कैलगरी इज़ समथिंग, आई थिंक ये छोटा पाकिस्तान है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये लगने में तो काफ़ी छोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन जिस खुशी का, जिस कैफियत का समा हमारे दिलों में है ना, वो कोई भी मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, या कोई भी आई थिंक फील नहीं कर पाएगा। जब आप एक ऐसी जगह से दूर होते हो जिस जगह के साथ आपका दिल लगा होता है,
तो फिर आप उस जगह से इतना दूर आते हो कि आपको उस जगह की आपको चीज़ें भी नहीं मिलती, और एकदम से आपको ऑल ऑफ अ सडन वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो आपको यू यूज़ टू गेट, तो आप लेते थे। फिर आपको फील होता है कि कितना अच्छा बंदे को फील होता है जब वही चीज़ें जिसमें आपका बचपन गुजरा वो आपको एकदम से मिल जाती है। एनीवे फिर हम गए थे ज्वेलरी शॉप पे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं, तो मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने चूड़ियाँ ले ली वहाँ से और अभी ट्राई करेंगे ये फ्रेश अप। इसकी स्मेल और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह हम स्कूल से छुट्टी होने के बाद ट्राई करते थे, तो बिल्कुल वैसा ही है, बहुत मज़े का है। मुझे लगा था कि इस तरह का टेस्ट नहीं होगा, बट इट्स सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ और आई कैन नॉट वेट कि मैं घर जाके अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर सकूँ ताकि वो भी इंजॉय करें। तो बस दोस्तों, यही पे मैं व्लॉग का इख्तिताम करूंगी। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग माय टुडेज व्लॉग। इफ़ यू डिड, मुझे कमेंट में बताइए आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।